हेलो एवरीवन गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून राम राम जय हिंद नमस्ते सत श्रीकाल सभी को भाई कैसे हैं आप सभी वोश वीडियो बताना भाई एक बार कैसे है हाँ जी कैमरा ऑन पीवीटी लग गई माइक ऑन गो लाइव सर जी 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 भाई बिल्कुल देख कैसे हैं जय बिहार जी जी जय बिहार भाई जय बिहार जय भारत भाई जय भारत नमस्कार सभी को प्रणाम सभी को कैसे हैं आप सभी एक बार बताना वॉइस और वीडियो दोनों चीजें ओके हैं क्या आज बहुत ही बड़ा धमाका है ना बहुत बड़ी बिग अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट तो ज्ञात तो शुरुआत ही है भाई देखो वैसे तो फ्री के कंटेंट की लोग बहुत कम रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन मैं आप पर यह उम्मीद लगा कर चल रहा हूँ कि आप फ्री के कंटेंट की अच्छी रिस्पेक्ट करेंगे एकदम मस्त है सर जी जी इसीलिए लाइव में जो है ये टोटली मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा आपको लाइव में टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा चैप्टर बाई चैप्टर लाइन बाई लाइन सारी चीज़ें पढ़ेंगे उम्मीद करता हूँ कि आपके पास जो है लाल किताब होगी सर कुछ कमज़ोर से लग रहे हो हाँ कमज़ोर तो हो गए ये रेड वाली जो किताब है लाल किताब ही नाम ही लाल किताब रख दिया इसका आपने लाल किताब नाम रख दिया है ठीक है ना तो इस लाल किताब को पढ़ेंगे इंग्लिश में और हिंदी में ये दोनों में कंटेंट सेम है बस इंग्लिश मीडियम है ये हिंदी मीडियम है ठीक है ना ये इंग्लिश मीडियम है ये हिंदी मीडियम है बस और कुछ भी नहीं है एक एक लाइन पढ़ाऊंगा मैं आराम से किताब लेकर के बैठ जाना जो भी चीज ना समझ में वो समझना आराम से और जो एम होंगे वो एम मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा फिर यानी कि पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा एम आप खुद करोगे प्रैक्टिस बुक के पीछे से जो चीज़ ना समझ में आएगी वो मुझे जो है आप इस नंबर पे भेज दोगे सात चालीस चालीस सात छः दो आठ एक पर व्हाट्सअप करोगे डे टू डे ठीक है ना जिस दिन भी आपको ना समझ में आए जैसे आज चैप्टर वन पढ़ेंगे हम चैप्टर वन पढ़ने के बाद एम आप खुद लगाओगे एम जो चीज़ ना समझ में आएगी वो आप मेरे पास भेजोगे ठीक है ना अब देखिए पहली बात तो यह है कि हिस्ट्री की तरह मत समझना है इसको कि सारी चीज़ें हमने याद करनी है कॉन्सेप्ट समझना है हमने ठीक है ना हमने कॉन्सेप्ट समझना भाई सर आपकी क्लास देखकर हाँ। का, तो लाल किताब। लाल किताब का जो आगे अपडेट होकर भी आएगी तो इसका नाम लाल किताब रहेगा और जो पीवाई क्यू वाली किताब है जो रेडी हो रही है आपकी 700 क्वेश्चन एक्सप्लेन हो चुके हैं उसके अंदर 700 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए मैंने कंप्यूटर के पीवाई क्यू में उस पी क्यू किताब का नाम है पी क्यू अड्डा उस किताब का नाम रखा अब स्पेशल अड्डा पी क्यू अड्डा एच एस एस सी पी क्यू अडा होगी उसमें कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन होंगे पिछले तीन से चार साल के अभी तक सात सौ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं सात सौ के बाद भी लगा हुआ हूँ ठीक है ना और जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी बता देता हूँ कोई बात नहीं ये तो वैसे लिख रहा लिख रहा हूँ मैं अभी पेन तो दूसरा ले लेंगे अभी सभी की जानकारी के लिए बता दूँ ये जो सीरीज रहेगी ये जो किताब पढ़ेंगे ये सभी जॉब के लिए बेनिफिशियल है आप ये मत पूछना कि ये टी के लिए है सर ये मत पूछना ये पी के, 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 के लिए है ये आई के लिए है ये बिहार के लिए मध्य प्रदेश के लिए उड़ीसा के लिए है पंजाब के लिए है अरुणाचल प्रदेश के लिए झारखंड के लिए जम्मू कश्मीर के लिए हरियाणा के लिए राजस्थान के लिए सभी के लिए है ठीक है ना क्योंकि कंप्यूटर जो है ऑलमोस्ट ये वाला सिलेबस तो कवर सभी में होता है तो चलिए करते हैं शुरू जय श्री राम भाई जी ये वाली किताब है अभी भी अगर किसी ने ये किताब नहीं मंगवाई है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर लेना इस नंबर से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो या फिर विच बुक इज बेस्ट डॉट कॉम विच बुक इज बेस्ट डॉट कॉम से ये वाली किताब जो है आप परचेज कर सकते हो रेड लाल किताब ठीक है ना ये हम शुरू कर रहे हैं ठीक है हाँ जो ओल्ड बुक थी येलो कवर वाली जो ये वाली ओल्ड बुक थी येलो कवर था जिसका उसमें ये पहला चैप्टर अलग मिलेगा आपको जो चीजें अलग मिले वो आप लिख लेना भाई ठीक है ना वो आप लिख लेना जो चीज अलग मिले जैसे पहला चैप्टर टोटली अलग है वो आप लिख लेना एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से अगर समझ में आ जाए तो ठीक है ना क्लियर तो चलिए करते हैं शुरू भाई अपना पहला चैप्टर पहला पेज निकाल लीजिए फर्स्ट पेज यानी कि जो बुक का आपका पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर वन ये वाला पेज निकाल लीजिए भाई ठीक है ना चैप्टर नंबर वन में ये वाला पेज निकाल लीजिए हाँ इंग्लिश में भी है ये बुक ये बुक सेम जो है इंग्लिश के अंदर भी है मेरे भाई ठीक है ना चलिए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और उसके घटकों का परिचय है यानी कि सबसे पहले इस बुक के अंदर बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहले हमने कंप्यूटर के हार्डवेयर को इंट्रोड्यूस किया है यानी कि कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है बाहरी दिखता कैसा कंप्यूटर क्या क्या चीजें उसके अंदर लगी होती हैं इसके बारे में पहले चैप्टर में दिया गया है कि सारी चीजें बताई गई हैं यहाँ पर यह होता है ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए नहीं बताया गया है इस चैप्टर से दो में अः ये लगा लीजिए कि कंप्यूटर हार्डवेयर से अकेले दो के अंदर तीस से पैंतीस क्वेश्चन है शायद अभी मेरे को ध्यान नहीं तीस से पैंतीस थे शायद चालीस से पैंतालीस से ऐसा कुछ था 2021 में हरियाणा के जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हुए उनमें पूछे गए थे उसको देखते हुए जो है, जो है है ये चैप्टर मैं सबसे पहले लेकर आया हूं यानी कि पहली पहला चैप्टर जो है इस बुक के अंदर ये ऐड किया है देखो और कंप्यूटर की डेफिनेशन भी हार्डवेयर के हिसाब से बना रखी है कंप्यूटर के बारे में क्या लिखा है वैसे तो कंप्यूटर की डेफिनेशन में दो बनाता हूं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेती प्रोसेस करती है और उसको आउटपुट देती है लेकिन यहां हार्डवेयर के अनुसार कंप्यूटर एक, एक पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी पीसी माने पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइस यानी कि कंप्यूटिंग या कैलकुलेट करने वाली डिवाइस है जो कई अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट से बनी हुई है अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट है चाहे मदरबोर्ड है चाहे एस है उसके अंदर कोई चीज़ लगती है चाहे कीबोर्ड है माउस है उसके अंदर वाली कि कितनी भी सारी चीजें हार्ड डिस्क है वो सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उनसे मिली हुई एक उनसे बनी हुई कंप्यूटिंग डिवाइस है कौन कंप्यूटर भाई वॉइस नहीं है ऐसा तो नहीं है भाई वॉइस तो है यार जो सभी कार्यों को पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं यानी कि कुछ भी किसी भी काम को पूरा करने के लिए सभी कार्यों का मतलब है यहां पर एक एक किसी भी एक काम को यानी कि जितने भी काम होते हैं कंप्यूटर के अंदर उन सभी को करने के लिए ये सारे मिलकर के एक साथ मिलकर के काम करते हैं ये सभी कंप्यूटर जितने भी लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिनकी बात हो रही आवाज नहीं आ रही भाई आप अपना उसमें चेक करो एक बार आवाज आ रही है भाई क्लियर अब देखो अब इसके घटक कौन से कौन से हैं कंप्यूटर के ये में जो घटक होते हैं, वो वाले ज्यादातर कंप्यूटर में जो चीजें शामिल होती है वो वाली क्या क्या यूपीएस होता है कई में नहीं होता घर पर इन्वर्टर है यूपीएस की जरूरत नहीं है ओके कोई बात नहीं तो ये कंप्यूटर के बाहर का उपकरण है इसलिए लिखा हुआ कंप्यूटर के बाहर का मतलब कंप्यूटर के अलावा कंप्यूटर किसे कहा गया है यहाँ पर कंप्यूटर इसे कहा गया है यानी कि ये जो कंप्यूटर का बॉक्स रखा होता है ये वाला ये जो एलसीडी रखी होती है ये वाली एक माउस रखा होता है कीबोर्ड रखा होता है ये वाला और इस सिस्टम से संबंधित हम बात कर रहे हैं इस पूरे को कंप्यूटर कहा गया इससे बाहर का पार्ट है ये वाला यू एस की बात हो रही है जिसकी ठीक है ना इससे भी बाहर का पार्ट है फिर यूपीएस के बाद यूपीएस यानी कि कंप्यूटर के बाहर का उपकरण है यूपीएस जिसको ये याद नहीं करने की कंप्यूटर के घटक कितने होते हैं ध्यान रखना है। ये याद नहीं करने आपने कि कंप्यूटर के घटक कितने होते हैं याद कर लेता हूँ मैं दस होते हैं जी ना 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 याद नहीं करना है समझने नहीं है कि कंप्यूटर के बाहर का एक केस होता है एक बिजली की आपूर्ति यानी कि एस एम पी एस होता है एस एम पी एस होता है एक मदरबोर्ड होता है जो इसके अंदर लगता है जो इसके अंदर फिट होगा सिस्टम यूनिट के अंदर जो इस सिस्टम यूनिट के अंदर फिट होगा अभी पढ़ेंगे पेरीफेरल डिवाइसिस होंगी यानी कि प्रीधिया उपकरण जिसको हम कहेंगे जिनको प्रधि उपकरण कहा जाता है वो इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइसिस होती हैं डीएमए चैनल पढ़ेंगे डीएमए एक चैनल होता है इसी के अंदर मदरबोर्ड पे काम करेगा जो इसके अंदर होगा मेमोरी की डिवाइसेस भंडारण उपकरण यानी कि स्टोरेज डिवाइस भंडारण उपकरण मतलब स्टोरेज डिवाइस डिस्प्ले डिवाइसेस और आपकी ये कौन से वाली डिवाइस है नीचे लिखी हुई है शायद इसमें कट्स मतलब कट लगा हुआ है कौन से वाली डिवाइस है कटिंग उपकरण कुछ ऐसा लिखा हुआ है इनपुटिंग आउटपुट वाले उपकरण होगा मेरे ख्याल से है ना लास्ट वाला चलिए कोई ना ये आ जाएगा देख लेते हैं लास्ट में कटा हुआ है नीचे स्क्रीन इसका जो है सही सा नहीं फिट बैठा तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं सबसे पहले है यूपीएस सबसे पहले क्या है मेरे भाई यूपीएस अन इंटरप्टिबल पावर सप्लाई जिसको कहते हैं भी कहते हैं इसको अन इंटरप्टेड भी लिखा आता कई बार अनइंटरप्टिबल भी लिखा आता कई बार इसका उपयोग कहां होता है पर्सनल कंप्यूटर को पावर बैकअप देने के लिए तो स्टार लगा ले या करो इन चीजों को पावर बैकअप के लिए यूज होता है ये इसलिए पावर बैकअप के लिए दस से पंद्रह मिनट का पावर बैकअप देता है बाकी इसकी कैपेसिटी बैटरी पर डिपेंड होता है बाकी इसकी बैटरी पर डिपेंड होता है कि जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी बैटरी उतना पावर बैकअप दे सकता है ताकि कंप्यूटर में लाइट चली जाने के बाद फाइलें अच्छे से सेव से कर सकें ये इसलिए होता है कौन यूपीएस जिसको आजकल इन्वर्टर पे लगा दिया गया है यानी कि आजकल इसका प्रयोग नहीं होता इन्वर्टर पर लगा दिया जाता है फिर दूसरे नंबर पर है केस जिसके बारे में हम मेन बात करेंगे इसको केस कहा गया है ये जो बॉक्स होता है आपका इसको केस कहा गया है ये जो बॉक्स होता है जिसको आप सी कहते हो इसे केस कहा गया इसे केस ही कहा जाता है इसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है इसके अलग अलग नाम है केस एक ऐसा बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर के सभी घटक होते हैं इसके अंदर होते हैं सारे के सारे मदरबोर्ड है चाहे रैम है चाहे हार्ड डिस्क है चाहे आपका रोम है चाहे आपका बायोस है वो सारे इसके अंदर होते हैं ये आकार में अलग अलग हो सकता है कैसा कैसा होता है पूरा टावर होता है यानी कि लंबा टावर होता है मध्य टावर यानी कि छोटा होता है मिनी टावर और भी छोटा होता है मिडी मिडी होता है चौड़ा चौड़ाई में होता है थोड़ा सा डेस्कटॉप होता है जो डेस्कटॉप कंप्यूटर हम कहते हैं जिसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं साथ ही साथ ये वाला होता है ये वाला होता है ऐसा भी होता है इसमें जो डेस्कटॉप पे रखा जाता है स्लिम लाइन होता है एक बिल्कुल पतले वाला होता है ये स्लिम लाइन का एग्जाम्पल है जो रखा हुआ है और प्रोपेरिटियर होता है प्रोपेरिटियर

उसके बाद आ जाते हैं बिजली की आपूर्ति उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आता है बिजली की आपूर्ति यानी कि अब इसके अंदर की बात चलेगी सारे की सारी केस के अंदर की बात चल रही है अब इस सिस्टम यूनिट के अंदर इस सिस्टम यूनिट के अंदर इस केस के अंदर इस बॉक्स के अंदर इस सीपीयू बॉक्स के अंदर इस कैबिनेट के अंदर इसे कैबिनेट भी कहा जाता है इसे कैबिनेट भी कहा जाता है कैबिनेट क्या होता है जहां सारे मंत्री इकट्ठे हो तो सारे कंपोनेंट इसी के अंदर तो हैं सारे कंपोनेंट इसी से जुड़ेंगे इसीलिए इसको कैबिनेट कैबिनेट कहा 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 गया 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 भी भी सिस्टम यूनिट सीपीयू बॉक्स भी कहा गया मिनी टावर लॉन्ग टावर मिडी टावर प्रोपरटियर स्लिम लाइन डेस्कटॉप इसी को कहा गया है ध्यान रख लेना सारे नाम इसी के हैं समझ समझ में आ रही बात सभी को बिजली की आपूर्ति यानी कि अब पावर केबल जो इसमें लगेगी इस सीपीयू बॉक्स के अंदर जो पहली पावर केबल लगेगी वो लगेगी कहा कौन सा कॉम्पोनेट होगा जिसके अंदर ये पावर के पावर केबल लगने वाली है तो पावर केबल कहा लगेगी एस एम पी एस के अंदर लगेगी कहा लगेगी एस एम पी एस के अंदर लगेगी एस एम पी एस की फुलफॉर्म क्या है मेरे भाई? इस किताब के अंदर ये कमी थी कि एस एम पी एस की फुल फॉर्म नहीं लिखी हुई शायद नहीं लिखी हुई ना लिख लो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म लिखो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई ये सारी चीजें मैं बताता भी चलूंगा कहा क्या कुछ ऐड करना है आपने स्विच्ड मोड

जो कंप्यूटर सिस्टम को बिजली प्रदान करेगा वो एसएमपीएस है एसएमपीएस क्या काम करता है एसी करंट को डीसी में बदल देता है भाई एसी को किस में बदल देता है डीसी में बदल देता है कई कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमारे घर पे तो इन्वर्टर है वो तो ऑलरेडी डीसी पे चलता है लो वोल्टेज में चेंज करता है ये ध्यान रखना एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज में और वैसे डीसी आए डायरेक्ट इन्वर्टर पर लगा रखा आपने उसको भी लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है ये ध्यान रखना ठीक है ना आपसे पूछा ये जाएगा कि एस का क्या काम है एस एम एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है मेरे भाई इससे आगे बढ़ते हैं मदर बोर्ड होगा इससे आगे चौथे नंबर पर मदर बोर्ड लिखा है ऐसा ही है एक बार बता भी देना साथ के साथ कमेंट करके मदर बोर्ड के बारे में क्या क्यों क्या चीजें लिखी है देखो मेरे भाई मदर बोर्ड अन्य सभी बोर्डों की जननी है यानी कि माँ है बाकी सारी बोर्डों की माँ है भाई मदर बोर्ड इसे मेन बोर्ड भी कहा गया मेन सर्किट बोर्ड भी कहा गया सिस्टम बोर्ड भी कहा गया बेस बोर्ड प्लानर बोर्ड लॉजिक बोर्ड मोबो मोबो का मतलब भी मदर बोर्ड होता है मोबो का मतलब मदर बोर्ड होता है यह कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि सारे के सारे यह पीसी के अन्य सभी घटकों को जोड़ता है बाकी सारे घटक इससे जुड़े होते हैं यह नहीं तो कुछ भी नहीं है यह नहीं तो कुछ भी नहीं है ठीक है ना सिस्टम बोर्ड दो प्रकार का हो सकता है यानी कि यह जो मदर बोर्ड है दो प्रकार का हो सकता है किस आधार पर हो सकता है किस आधार पर दो प्रकार का हो सकता है ये बात नीचे लिखी हुई है ये फॉर्म फैक्टर के आधार पर दो प्रकार का होता है ये फॉर्म फैक्टर नीचे लिखो हुआ है इसमें अब की बार जो मैं अपडेट कर रहा हूं इसको सेट करूंगा कि फॉर्म फैक्टर के आधार पर यह दो प्रकार का होता है फॉर्म फैक्टर के आधार पर दो प्रकार का कैसे फॉर्म फैक्टर क्या होता है गुरु दो प्रकार का तो फिर देखेंगे फॉर्म फैक्टर होता क्या है फॉर्म फैक्टर होता है मदरबोर्ड की जियोमेट्री डायमेंशन मदरबोर्ड का डिजाइन कैसे बना है अरेंजमेंट कैसे है चीजें कैसे लगा रखी है भाई मदरबोर्ड के ऊपर रैम कहा है रोम कहा है मदरबोर्ड पे सीपीयू सीपी कहाँ लगेगा हो सकता है बिल्कुल नीचे लगे हो सकता है बिल्कुल ऊपर लगे हो सकता है रैम साइड में लगे हो सकता है रैम इस साइड में लगे सीपीयू से इस साइड में लगे हो सकता है सीपीयू जो है बिल्कुल कोने में लगे हो सकता है सीपीयू बिल्कुल बीच में लगे तो वो जो डायमेंशन जो अरेंजमेंट जो ज्योमेट्री है मदर की उसे फॉर्म फैक्टर कहा गया ये क्वेश्चन पूछा था हरियाणा बोर्ड में ठीक है ना एच एस एस सी बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा था कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है उल्टा पूछा था कि ज्योमेट्री और डायमेंशन और अरेंजमेंट क्या होता है उल्टा पूछा था स्टार लगा लेना जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसे फॉर्म फैक्टर फॉर्म फैक्टर के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के मदरबोर्ड दो प्रकार के हो गए इंटीग्रेटेड हो गया और एक नॉन इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है एकीकृत यानी कि सारी चीजें एक कर देना इंटीग्रेटेड का मतलब तो समझ ही रहे होंगे इंटीग्रेटेड आईसी आईसी चिप जो होती थी इंटीग्रेटेड सर्किट इंटीग्रेट का मतलब होता है सारी चीजें मिलाकर के एक जगह इकट्ठी कर देना एक जगह इकट्ठी कर देना ठीक है ना क्लियर इंटीग्रेटेड यानी कि इंटीग्रेटेड में क्या था एक इंटीग्रेटेड था और एक नॉन इंटीग्रेटेड था भाई इंटीग्रेटेड में था मदर बोर्ड के सभी घटकों को एक बोर्ड पर एकीकृत एक किया गया था यानी कि सारे के सारे एक जगह जोड़ दिए गए इंटीग्रेटेड में अलग नहीं कर सकते चीजों को इंटीग्रेटेड में चीजों को अलग नहीं कर सकते जैसे मोबाइल में अब आजकल बैटरी इंटीग्रेटेड आती है यानी कि बैटरी नहीं निकाल सकते नहीं निकाल सकते ना बैटरी पहले मोबाइल में से बैटरी निकाल सकते थे वो नॉन इंटीग्रेटेड बैटरी थी है ना तो ऐसे ही मदरबोर्ड पर आजकल जो मदरबोर्ड आते हैं वो इंटीग्रेटेड आते हैं सारे के सारे फिक्स आते हैं सारी चीजें एक मदरबोर्ड में कोई चीज खराब होगी तो पूरा मदरबोर्ड चेंज हो जाता है पहले अलग अलग आती थी सारी चीजें एक चीज खराब होगी तो दूसरी चेंज कर सकते थे है ना तो गैर इंटे... गैर एकीकृत एक यानी कि नॉन इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड भाई इंग्लिश वाले ध्यान देना मैं इंग्लिश में भी साथ के साथ बोल ही रहा हूँ जो टर्म है वो इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ उनके घटकों को एक सर्किट बोर्ड और एक मुद्रित सर्किट बोर्ड पर तारों का उपयोग करके जोड़ा जाता था मुद्रित मतलब प्रिंटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसका मतलब है मुद्रित सर्किट बोर्ड मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी यानी कि जिस पीसीबी किसे कहा गया इसे ही तो कहा गया मदर बोर्ड को पीसीबी कहा गया तो पीसीबी पर तारों को उपयोग करके जोड़ा जाता है यानी कि अलग से अटैच होती थी तार लगा करके अटैच कर सकते थे हम कोई चीज की जरूरत पड़गी तो तार लगा करके अटैच कर, कर लीजिए ऐसा मदर आता था बाहर से कोई अदर चीज की जरूरत पड़गी तार लगाओ अटैच कर दो भाई

न्यू लाइन जो है न्यू लाइन एक्सटेंडेड है मेरे भाई चलिए देखिए सिस्टम मदरबोर्ड के घटक यानी कि मदरबोर्ड पर क्या क्या चीजें लगी होती हैं पहले पढ़ा हमने बाहर से देखा कि कंप्यूटर एक हार्डवेयर होता है कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें हार्डवेयर होती हैं उनमें बाहर का जो यूपीएस होता है एक फिर सिस्टम बॉक्स होता है सिस्टम बॉक्स के बारे में पढ़ा उसको क्या क्या कहा जाता है सिस्टम बॉक्स के अंदर क्या क्या होते हैं वो सारी चीजें एक बार देखी है फिर शुरू किया है मदरबोर्ड अब मदरबोर्ड में क्या क्या होता है वो सारी चीजें देख मदरबोर्ड नामक जो सिस्टम बोर्ड है उस पर एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी होती हैं सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हैं कोई कहीं पे जुड़ा है सीपीयू पी यहाँ पर सीपीयू लगेगा जी यहाँ पर रैम लगेगी जी यहाँ पर हार्ड डिस्क जुड़ेगी जी यहीं पर रोम होता है जी यहाँ पे नेटवर्क के पीछे से तार जुड़ेगी जी यहाँ पे माउस जुड़ेगा जी यहाँ पर की जुड़ेगा जुड़ेंगे सारे के सारे मदर के ऊपर ही ठीक है ना तो ये घटक इस प्रकार से हैं जितने भी सारे पढ़ेंगे यानी कि सबसे पहले हम इस पर किस चीज की बात करेंगे यहां पर पावर कनेक्टर की बात करेंगे बिजली आपूर्ति कनेक्टर यानी कि इस मदरबोर्ड को पावर मिलेगी तो मिलेगी कहां से एस एम पी एस से मिलेगी एस एम पी एस की तार मदरबोर्ड में लगेगी वो तार के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने ये पावर कनेक्टर साथ ही साथ अटैच कर दिया हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन है ठीक है ना चिप सेट के बारे में क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेंशन स्लॉट ई एक्स आएगा ये एक्सपेंशन स्लोट एक्सपेंशन स्लोट इसी में पड़ेंगे याद करने की जरूरत तो नहीं है सिर्फ नाम है एक बार ये ध्यान में होना चाहिए कि ये चीज़ें इसके ऊपर होती है मेमोरी स्लोट प्रोसेसर स्लोट सॉकेट होते हैं पोर्ट और इंटरफेस बसें इसी के ऊपर फर्मवेयर और विद्युत आपूर्ति सॉरी ये विद्युत आपूर्ति कनेक्टर से शुरुआत करते हैं विद्युत आपूर्ति कनेक्टर यानी कि पावर कनेक्टर इस मदरबोर्ड के ऊपर जो पावर कनेक्टर लगेगा उसकी शुरुआत करते हैं मेरे भाई ठीक है देखो आ जाओ विद्युत आपूर्ति कनेक्टर यानी कि पावर कनेक्टर पेज नंबर देख लेना कौन सा है एक्स टी है सबसे पहले पावर कनेक्टर के हिसाब से मदरबोर्ड के टाइप है। ये पावर कनेक्टर के हिसाब से मदरबोर्ड है यानी कि किसी कंपनी ने बना दिया मदरबोर्ड उसने कहा कि मेरे वाले में तो पावर कनेक्टर इतने वाला लगेगा तीन पिन होंगी इसमें किसी ने कहा कि मेरे वाले में छह पिन होंगी किसी ने कहा कि मेरे वाले में बारह पिन होंगी किसी ने कहा कि मेरे वाले में बीस होंगी चौबीस होंगी तो उस हिसाब से नाम दिए गए हैं ठीक है ना पावर कनेक्टर के आधार पर ये कह लीजिए एक्सटी है एक्स मतलब एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी ये मदरबोर्ड जो है पुराने मॉडल के हैं स्लोट टाइप जो है इसमें प्रोसेसर है प्रोसेसर स्लोट होता था यानी कि अलग से अटैच होता था यू पिन पिन के साथ बंद होता था प्रोसेसर लो फोर्स एल आई एफ सॉकेट होता था इसके अंदर एक अलग से सॉकेट होता था डी आई एम एम होता था जो डी आई एम एम आगे पढ़ेंगे आई एस ए भी आई एस ए क्या होता है उस स्लॉट में बारह पिन पावर कनेक्टर के साथ देखे जाते थे भाई इसमें कितनी मेन बात इसमें हमने ये देखनी है कि बारह पिन बारह पावर पिन कनेक्टर था इसके अंदर कौन सी वाली पिन थी इसके अंदर बारह पिन थी इसके अंदर कौन से वाले में एक्सटी वाले में एटी वाले में कितनी थी स्टार यहाँ पर स्टार जरूर लगा लेना बीस थी भाई एटी वाले में कितनी थी बीस थी ए एक्स वाले में कितनी थी भाई बीस भी थी और चौबीस भी थी एटी एक्स वाले में कितनी थी बीस भी और चौबीस पिन थी यानी कि इसमें बीस पिन वाला कनेक्टर था इसमें आपका बारह पिन वाला कनेक्टर था इसमें आपका बीस और चौबीस पिन वाला बीस पिन वाला कनेक्टर भी आया और चौबीस पिन वाला कनेक्टर भी आया अब क्वेश्चन क्या पूछा हरियाणा ने देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछा कि ये बताइए मेरे भाई जो पेंटियम थ्री पेंटियम थ्री प्रोसेसर को सपोर्ट करे पेंटियम थ्री प्रोसेसर को सपोर्ट करने वाला मदरबोर्ड कौन सा है तो पेंटियम थ्री को सपोर्ट करने वाला मदरबोर्ड है जिसमें पिन का कनेक्टर लगता है पेंटियम थ्री को पेंटियम थ्री प्रोसेसर को सपोर्ट करने वाला मदरबोर्ड बोर्ड ये क्वेश्चन है नोट कर लेना इसको स्टार लगा लेना यहाँ पे ठीक है ना आगे आपसे पूछे की पीसीआई स्लोट कौन से वाले में था आई एस एस स्लोट कौन से वाले में था तो इसमें भी था आई एस एस सलोट इसके अंदर भी था डी आई एम एम स्लोट सबसे पहले इसके अंदर आया था ये पुराने वाला है DRAM स्लॉट होता क्या है ये आगे पढ़ने वाले हैं तो इसमें भी प्रोसेसर सॉकेट सोक, डिश में DDR RAM लग जाती ये है ये लेटेस्ट है ये लेटेस्ट है ATX आजकल यही चलता है ATX इसका छोटा भाई आ चुका है आजकल माइक्रो ATX जिसको वो कहा जाता है माइक्रो ATX इस बुक में मैंने जिक्र नहीं किया है हालांकि उसका क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है इसका छोटा भाई यानी कि माइक्रो ATX आ चुका है इसके नीचे लिख सकते हो माइक्रो ATX ठीक है ना जो लेटेस्ट लेटेस्ट मदरबोर्ड है जिनमें अब छोटा मदरबोर्ड आ गया है, बहुत छोटा बीस और चौबीस में इसके अंदर होती है ये बाकी सारी की सारी चीजें सेम एस बी स्लोट इसके अंदर आ गया यूएसबी पोर्ट आ गया इसके अंदर, इसके अंदर अंदर हम यूएसबी भी जोड़ सकते हैं ठीक है ना क्लियर चलिए तीन चिप सेट पर आ जाओ चिप सेट क्या होता है चिप सेट होता है सेट, सेट चिप्सों का समूह यानी कि, कि पर चिप्सों का समूह होता है इस तरीके से मदरबोर्ड पर दो चिप सेट मिलेंगे आपको एक नॉर्थ ब्रिज एक साउथ ब्रिज एक नॉर्थ ब्रिज मिलेगा एक साउथ ब्रिज मिलेगा ये दोनों आपस में कुछ कॉम्पोनेंट को जोड़ते हैं आपस में किस किस को जोड़ते हैं देखो चिप सेट या सर्किट एक संग्रह है जो प्रोसेसर के लिए इंटरफेस और प्रीधिया कार्य करता है प्रोसेसर के लिए इंटरफेस का काम करता है इंटरफेस का मतलब क्या होता है इंटरफेस का मतलब होता है जोड़ना जैसे आप मेरे से जुड़े हो कैसे जुड़े हो मोबाइल के माध्यम मतलब से जुड़े हो आपका मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मोबाइल का सॉफ्टवेयर इंटरफेस का काम कर रहा है मेरे को दिखाने में मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको हेलो दिखाई दे रहा हूँ

ए पोर्ट अटैच होता है ध्यान रखना स्टार लगा लेना प्रोसेसर से मेमोरी संचार के लिए जिम्मेवार है प्रोसेसर से मेमोरी संचार के लिए कौन जिम्मेवार है ये चीज पूछी जाती है यानी कि प्रोसेसर और मेमोरी कौन से ब्रिज की सहायता से जुड़े हुए हैं ये पूछा जाता है तो प्रोसेसर और मेमोरी प्रोसेसर और मेमोरी नॉर्थ ब्रिज की सहायता से जुड़े होते हैं या फिर यह पूछा आता है कि ए जो आपका पोर्ट पोर्ट होता होता है है ग्राफिक वो कौन से ब्रिज के पास होता है? या किस, किस को जोड़ता है वो मेमरी को प्रोसेसर को आपस में जोड़ता है एजीपी पोर्ट जो है उसके साथ नॉर्थ ब्रिज के साथ लगा होता है इसलिए पीसी का अधिकांश वास्तविक प्रदर्शन नॉर्थ ब्रिज चिपसेट के प्रदर्शन पर आधारित है यानी कि ये कैसा ये कैसा प्रेजेंटेशन करेगा ये कैसा काम करेगा सारी चीज इसी पर डिपेंड है क्योंकि रैम को यही जोड़ रहा है सीपीयू से सीपीयू से रैम को यही जोड़ रहा है एजीपी पोर्ट से भी यही जोड़ रहा है यानी कि जो आप बढ़िया बढ़िया एच क्वालिटी में वीडियो देखते हो वो भी इसी पर डिपेंड करता है नॉर्थ ब्रिज पर साउथ ब्रिज क्या काम करता है साउथ ब्रिज जो है यह पी एस टू एस टू मतलब वो वाला पी एस टू पोर्ट जो होता है जो गोल गोल होता है जिसमें माउस और कीबोर्ड जोड़े जाते हैं जिसमें पिन होती हैं लैन ऑडियो को जोड़ता है फायर वायर पोर्ट 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 को पैरेलल आई डी ई साटा आदि सभी बाकी जितने बच गए ना जिसमें माउस जोड़ेंगे की बोर्ड जोड़ेंगे स्पीकर जोड़ेंगे माइक जोड़ेंगे वो सारे पोर्ट बाकी सभी पोर्ट को ये जोड़ता है कौन जोड़ता है साउथ ब्रिज जोड़ता है ध्यान रखना पोर्ट इसमें सिर्फ एक ही आएगा एजीपी पोर्ट साउथ ब्रिज के सॉरी नॉर्थ ब्रिज के अंदर एजीपी पोर्ट सीपीयू और मेमोरी को जोड़ेगा मेन नॉर्थ जो साउथ ब्रिज है बाकी सभी बचे हुए जितने ही पोर्ट हैं जितना भी गाने गुणे सुनने का काम है तारा वो सारा का सारा इसमें साउथ ब्रिज में होगा भाई अगला पेज पर आ जाता हूँ एक्सपेंशन स्लॉट एक्सपेंशन स्लॉट का मतलब क्या होता है एक्सपेंशन होता क्या है एक्सपेंड करना एक्सपेंड करना होता है बढ़ाना यानी कि पावर बढ़ाना किस चीज़ की पावर बढ़ानी है मदरबोर्ड की पावर बढ़ानी है ऐसे कैसे बढ़ा सकते हैं जब लेके आ आगे जो पावर का लेके आए थे वही पावर नहीं, नहीं बढ़ा सकते थे पहले बढ़ा सकते थे आजकल तो खैर इतना नहीं बढ़ा सकते यानी कि एक्सपेंड कर सकते हैं हम किसी क्वालिटी को कोई चीज मान लीजिए कोई पहले होता था ऐसा वीडियो नहीं चलती थी पहले वीडियो नहीं चलती थी कोई एक दो वीडियो चलती थी एक दो नहीं चलती थी जैसे जो स्पेशल वीसीआर की कैसेट बनी होती थी स्पेशल बनी होती थी जो वो नहीं चल पाती थी तो उनके लिए ग्राफिक कार्ड अलग से लगाना पड़ता था तो उसके लिए स्लोट होता था अलग से ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं हम क्या करें भाई ये साटा ब्रिज एस एस डी को जोड़ने के लिए होता है कि सर सारे बताएंगे आज आजाद पे तो अभी आए नहीं ना आ जाएंगे देखो तो एक्सपेंशन स्लॉट होता है क्वालिटी यानी कि चीजों को एक्सपेंड करने के लिए मदर बोर्ड का सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला हिस्सा होता है ये यानी कि मदर बोर्ड पे मोटी मोटी लाइनों में यही चीज दिखाई देगी मेनली मदर बोर्ड के ऊपर या तो मदर बोर्ड पर छोटी छोटी चीजें होंगी जब एकदम से मदर बोर्ड देखोगे आपको सारी चीजें जो है आसानी से समझ में भी नहीं आएंगी पहली बार देखोगे तो लेकिन जब भी आप देखोगे तो सबसे ज्यादा मेनली आपको यही चीज दिखेगी मेनली आपको यही चीज दिखेगी और आमतौर पर तीन से ग्यारह इंच के प्लास्टिक के बने होते हैं ये चीज याद करने लायक नहीं है कि कितने इंच के होते हैं ठीक है ना इसका उपयोग विभिन्न उपकरणों को स्थापित करने के लिए किया जाता है यानी कि अलग अलग चीज लगा सकते हैं कुछ विस्तार उपकरण जो इन स्लॉट में स्थापित हो सकते हैं विस्तार उपकरण मतलब किसी चीज की कैपेसिटी को बढ़ाना हो तो उनमें वीडियो भी हो सकती है नेटवर्क भी हो सकता है साउंड भी हो सकता है डिस्क इंटरफेस कार्ड भी हो सकते हैं अलग अलग कार्ड उसके अंदर शामिल हो सकते हैं ये मुख्यतः तीन प्रकार के विस्तार स्लॉट हैं कौन से कौन से आई एस ए है पी सी आई है और ए जी पी है आई एस ए पी सी आई और ए जी पी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है आई एस ए से पी सी आई से और ए जी पी से भाई ठीक है ना क्लियर आई एस ए से क्या क्वेश्चन आई एस ए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एसोसिएशन भाई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इंडस्ट्री से ध्यान रखना नेटवर्क के लिए जरूरी होता है किस लिए नेटवर्क के लिए पहले नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग होता था आई एस ए स्लोट का उपयोग वीडियो कार्ड नेटवर्क कार्ड या अतिरिक्त सीरियल पोर्ट जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब भी कोई नेटवर्क कार्ड जोड़ना होता था आई एस ए पोर्ट होता था उसके अंदर आई एस ए स्लोट होता था अलग से अलग से स्लोट होता था उससे जोड़ते थे भाई पीसीआई स्लोट किस लिए होता है? पेरिफेरल कॉम्पोनेंट इंटरकनेक्शन पीसीआई को ऑडियो वीडियो और ग्राफिक जैसे नए डेटा प्रकार को डेटा प्रकारों को एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है यानी कि नई नई चीज आती है कोई ग्राफिक के लिए आ गया कोई वीडियो के लिए आ गया कोई ऑडियो के लिए आ गया ये तीनों दिखने में एक जैसे होते हैं और तीनों का प्रयोग इंटरचेंज हो सकता है ये तीनों दिखने में इस प्रकार के तीनों एक जैसे हो सकते हैं यानी कि यहाँ पर नेटवर्क कार्ड लगा दिया यहाँ पे साउंड कार्ड लगा दिया यहाँ पे वीडियो कार्ड लगा, लगा दिया या ग्राफिक कार्ड लगा दिया तीनों एक जैसे होते हैं दिखने में आर्किटेक्चर एक विशेष आर्किटेक्चर होता है एजीपी तो. जो ग्राफिक को ग्राफिक की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है जो आपके कंप्यूटर में ग्राफिक की परफॉर्मेंस है ना जैसे अभी आप मेरे को देख रहे हो, हो सकता है ये क्वालिटी जो है वीडियो की क्वालिटी सात तक जाए अगर ए जीपी पोर्ट यानी कि ग्राफिक परफॉर्मेंस अच्छी है मेरे कंप्यूटर की ग्राफिक कार्ड बढ़िया वाला लगा है अलग से लगा करके भी रखू मैं ग्राफिक कार्ड तो वीडियो की क्वालिटी जो है एच डी सुपर एच डी फोर एट फोर के में भी चली जाती है ठीक है ना चलिए भाई जो वीडियो कार्ड को सीधे सिस्टम की रैम तक पहुंचाने की अनुमति देता है कौन ये वाला ये ए जीपी पोर्ट जिसे ग्राफिक प्रदर्शन की गति बढ़ जाती है ग्राफिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है फिर आते हैं मेमोरी स्लॉट पर कौन से स्लॉट पर आ जाते हैं मेमरी स्लॉट ये स्लोट और सॉकेट ये दो चीजें ऐसी हैं ऐसी जगह है जहां पर कोई दूसरी चीज लगाई जाएगी जैसे मान लीजिए मैं ये ये मार्कर रखना चाहता हूँ इस मार्कर को रखने के लिए यहाँ जगह बना दी जाए तो इसे बोलेंगे कि यहाँ पर स्लोट है इसको रखने का स्लोट है यहाँ पर तो किसी चीज को लगाने के लिए कोई जगह होती है तो उसे स्लोट या सॉकेट कहा जाता है ठीक है ना तो मेमोरी स्लोट में रैम जैसी मेमोरी चिप्स हो सकते हैं रैम एक मेमोरी चिप है जिसको लगाने के लिए हमें यहाँ पर स्लॉट की जरूरत होगी तो स्लॉट कौन से कौन से हैं एक एस आई एम एम स्लोट है एक डी आई एम एम स्लोट है एक एसओ डी आई एम एम स्लोट है ये तीनों स्लॉट हैं तीनों स्लोटों से क्या क्या क्वेश्चन आया स्टार लगा लेना एस आई एम एम है सिंगल इनलाइन मेमरी मॉड्यूल फुल फॉर्म है इसकी क्वेश्चन क्या पूछा गया था क्वेश्चन पूछा गया था आठ बिट के साथ आठ बिट के साथ कौन सा मेमोरी स्लॉट होता है मेमोरी स्लॉट में रैम यूज होती है तो आठ बिट के साथ ये एस आई एम एम यूज होता है तीस पिन वाली जो तीस पिन वाली ये स्लॉट uh, होता था ये तीस पिन वाली आठ बिट के साइज की मेमोरी फिट होती थी इसके अंदर ये जो स्लॉट होता था इस स्लॉट के अंदर आठ बिट के साइज वाली तीस पिन वाली फिट होती थी या फिर बत्तीस बिट का साइज होता था बहत्तर पिन के साथ होती थी ये फिर आ गया डी आई एम एम ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल

मेमोरी uh, लगाने के लिए कौन सा स्लॉट होता है तो स्मॉल आउटलाइन इन लाइन ड्यूल इन लाइन मेमोरी मड्यूल स्मॉल आउटलाइन ड्यूल नहीं लिखा है यहां पे अगर नहीं लिखा हो तो लिख लेना ड्यूल स्मॉल आउटलाइन डुवेल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल ये बहत्तर पिन में भी होता था जिसमें चौंसठ बिट होती थी 144 पिन में भी होता था था जिसमें भी बिट होती थी विशेषता लैपटॉप में प्रयोग किया जाता था, था, कौन से वाला ISO, DIMM की बात हो रही है उसके बाद सीपीयू या प्रोसेसर स्लोट सॉकेट यानी कि जहां पे सीपीयू लगेगा यानी कि जहां पे प्रोसेसर लगेगा वो सॉकेट वो स्लोट स्लोट भी कह सकते हैं उसको सॉकेट भी कह सकते हैं यानी कि पिन लगेंगी सीपीओ में पिन होती है प्रोसेसर के अंदर पिन होती है वो पिन इस मदरबोर्ड पे जहां भी लगेंगे उसे स्लोट कहा जाएगा भाई भाई आपका जो भी क्वेश्चन है मैं बाद में लूंगा एक बार ये क्लास पढ़ाता हूँ रिदम से पढ़ना है ठीक है देना क्लास को चलिए स्लोट या सॉकेट एक भौतिक कनेक्शन है भौतिक कनेक्शन मतलब जोड़ेंगे उसको जिसका उपयोग डिवाइस को सिस्टम को जोड़ने से के लिए किया जाता है प्रोसेसर के लिए सिस्टम बोर्ड द्वारा आपूर्ति किए गए स्लोट और सॉकेट का प्रकार प्रोसेसर द्वारा मतलब मेल खाते हैं वो यानी कि जो स्लोट होगा पैंतीस पिन उसमें लग सकती है तो पैंतीस पिन वाला प्रोसेसर ही उसके अंदर लगेगा ऐसा तो है नहीं कि पैंतीस पिन लग सकती है या छत्तीस पिन वाला प्रोसेसर लगे आगे मैं लगाऊ इसको नहीं लगेगा ठीक है ना तो मेल जरूर खाना चाहिए यह हो गया पोर्ट और इंटरफेस भैया पोर्ट और इंटरफेस मेन इंटरफेस से धेरों कौशन, धेरों कौशन पूछे गए तो पोर्ट कौन से कौन से है सीरियल पोर्ट सीरियल पोर्ट जो है बाहरी और आंतरिक मोडम यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल मोडम देखो मोडम मॉड्यूलेशन मोड्युलेशन करता है जो आपका एनालॉग को सिग्नल को डिजिटल में डिजिटल बदलता है मोडम यह मोडम पहले इंटरनल होते थे इंटरनल मोडम जो होता था ये सीरियल पोर्ट से जुड़े होते थे इंटरनल में पहले इंटरनेट चलता था तो पता नहीं चलता था कि इंटरनेट चल पड़ा कि नहीं चला हमें गूगल चला करके ही चेक करना पड़ता था कि इंटरनेट चल पड़ा एक्सटर्नल मोडम जो आए बाहर जो मोडम लग गया उसे हमें लाइट ऑन होने से ही पता चल गया कि इंटरनेट चल रहा है अभी आप कंप्यूटर चलाओ चाहे ना चलाओ वाईफाई चलाओ चाहे ना चलाओ मोडम देख करके बता दोगे लाइट ऑन है तो इसका मतलब नेट चल रहा है वो एक्सटर्नल मोडम आए पहले इंटरनल मोडम हुआ करते थे स्कैनर आए पुराने कंप्यूटर और माउस के लिए पुराने कंप्यूटर के माउस के लिए भी इसका प्रयोग किया गया सीरियल पोर्ट का जिसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड वन बिट वन टाइम थी है इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड यानी कि डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है वन बिट वन टाइम में स्लो स्लो स्पीड है इसकी लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है लंबी दूरी कवर कर सकता है इसका स्टैंडर्ड नंबर मानक संख्या का मतलब स्टैंडर्ड नंबर आर एस टू थर्टी टू इसका स्टैंडर्ड नंबर होता है क्या होता है आर एस टू थर्टी टू जो होता है इसका स्टैंडर्ड नंबर होता है इसके बाद पैरेलल पोर्ट है कौन सा पोर्ट है पैरेलल पोर्ट पैरल पोर्ट की जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो एट बिट वन टाइम है एट बिट वन टाइम एक बार में आठ बिट एक से ज्यादा एक बिट एक समय में, में एक से ज्यादा बिट भेज सकता है बिल्कुल भेज सकता है प्रिंटर के लिए उपयोगी है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है लाइन प्रिंटर के लिए कौन सा पोर्ट होता है इसे लाइन प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है ये भी लिखे इसे प्रिंटर पोर्ट तो कहा ही जाता है लाइन प्रिंटर पोर्ट स्पेशली ये लाइन प्रिंटर के लिए होता है

अधिकांश पुराने और माउस पोर्ट, 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 पोर्ट जो होते हैं यानी पिन छह पिन होती है ना इसमें पहले पांच वाले भी होते थे छह वाले भी होते, होते हैं और तीन वाले भी होते थे पहले तीन वाले भी होते थे और यूएसबी में भी माउस लग सकता है यानी कि माउस के लिए पूछे कौन सा पोर्ट नहीं होता एच एस एस सी ने दो तीन बार घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया Beast dwarf, एक दो तो बार ये पूछ लिया कि इनमें से कौन सा कीबोर्ड का पोर्ट नहीं है एक बार ये पूछ लिया कि इनमें से कौन सा कीबोर्ड का पोर्ट है उसमें सीरियल पोर्ट दे दिया था एक बार ये पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा पोर्ट माउस के लिए है तो उसमें ना तो ये था ना तो पिन थी ना पांच पिन थी ना उसमें तीन पिन थी लिखा है, है। ना और यहां एक बार पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड का पोर्ट नहीं है तो ऑप्शन था पांच पिन वाला छ पिन वाला थ्री पिन वाला और वन पिन वाला तो वन पिन वाला नहीं होता है वन पिन वाला नहीं होता है ठीक है ना तो आप देख लेना आप क्वेश्चन काउंट कर लेना कितने क्वेश्चन अपनी बुक से आए हुए हैं मैं वैसे दिखाता नहीं है, नहीं आदत है मेरी ना यूएसबी पोर्ट भाई यूएसबी पोर्ट जो होता है वो किस लिए होता है बाहर से हार्ड डिस्क लगाओ प्रिंटर लगाओ स्कैनर लगाओ माउस लगाओ कीबोर्ड लगाओ एक सौ सत्ताईस प्रकार की डिवाइस लगा सकते हो आप बाहर से यूएसबी पोर्ट की सहायता से जो हरियाणा बोर्ड ने मानी है वो स्पीड इसकी ट्वेल्व एमबीपीएस वो वाली लिखी हुई है मैंने अलग अलग होती है यूएस पोर्ट की बहुत सारे भाइयों को ये भी होगा कि यूएसबी पोर्ट की दो तो स्पीड अलग अलग होती है बिल्कुल होती है इसमें कोई शक नहीं है यूएस पोर्ट की स्पीड अलग अलग होती है जो लेटेस्ट यूएस है जैसे आपका टाइप सी का चार्जर है वो भी यूएस है टाइप सी का जो चार्जर है वो बड़ा जल्दी चार्ज कर देता है मोबाइल को इसमें कोई शक नहीं तो उसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है लेकिन जो हरियाणा बोर्ड ने मानी थी एक बार क्वेश्चन दिया गया था कि आपको ये जो है यूएसबी की जो स्पीड कौन सी है यूएसबी की स्पीड कितनी होती है तो यूएस स्पीड बारह एमबीपीएस मानी गई है यूएसबी पोर्ट से ही पावर प्राप्त कर सकते हैं यानी कि पेन ड्राइव लगाओगे तो उसको उसके लिए अलग से आपको चार्जर लगाने की जरूरत नहीं होगी अपने आप ही उठा लेगा ठीक है ना अपने आप ही उठा लेगा भाई जी थैंक यू सो मच मोनिका जी थैंक यू सो मच वीजीए पोर्ट इसके बाद कौन सा पोर्ट है पोर्ट इसकी फुल फॉर्म नहीं लिखी शायद इसकी फुल फॉर्म लिख लेना वीडियोग्राफी कैरे डियोग्राफी क्या इसकी फुल फॉर्म होती है मेरे भाई अरे स्पीड से चल... स्पीड से तो चल रहा मैं एक बार कमेंट करके बता देना स्पीड ठीक है ना ज्यादा स्पीड तो नहीं है ना बता देना एक बार कमेंट करके मोनिटर को कंप्यूटर से जोड़ता है ये कौन पोर्ट इसमें पंद्रह छेद होते हैं यानी कि पंद्रह पिन होती हैं मेल फीमेल होता है मतलब मेल और फीमेल पोर्ट होते हैं जैसे ये फीमेल पोर्ट है ये कंप्यूटर के अंदर लगेगा बाहर से जो डिवाइस आएगी उसमें पिन होंगी वो पिन जो है इसके अंदर अटैच होंगी मेल पोर्ट होगा जिसे हम मेल पोर्ट कहेंगे ठीक है ना चलिए फायर वायर पोर्ट एक पोर्ट है फायर वायर पोर्ट ये बहुत तेज गति वाला पोर्ट है एच डी डेफिनेशन वाला पोर्ट है डेटा ट्रांसफर कर सकता है हाई डेफिनेशन 400 से 800 सौ एमबीपीएस बी चार से 800 सौ एम सहायता से की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट करता है 400 टू 800 हंड्रेड एमबीपीएस मोडम के लिए पोर्ट कौन सा होता है पीसी के मोडम को टेलीफोन नेटवर्क से जोड़ता है मोडम पोर्ट पीसी को टेलीफोन नेटवर्क से जोड़ता है कौन मॉडम अथरनेट पोर्ट कौन सा होता है एक नेटवर्क और हाई स्पीड इंट... इंटरनेट से जोड़ जोड़ता है भाई हाई स्पीड इंटरनेट से एक नेटवर्क को नेटवर्क से जोड़ता है कंप्यूटर को या हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ता है नेटवर्क केबल को कंप्यूटर से जोड़ता है यह पोर्ट एक अथरनेट कार्ड पर रहता है अथ्रानेट कार्ड होता है कार्ड उस कार्ड पर यह पोर्ट होता है अथरनेट पोर्ट इसमें आर जे फोर्टी फाइव कनेक्टर लगता है कौन सा कनेक्टर लगता है इसके अंदर आर जे फोर्टी फाइव कनेक्टर इसके अंदर लगता है जिसे आर जे फोर्टी फाइव कनेक्टर कहा जाता है भाई ठीक है ना थैंक यू सो मच भाई दीपिका थैंक यू सो मच डेटा दस मेगाबिट की मेगाबिट से लेकर के मेगाबिट प्रति सेकंड टेन एमबीपीएस हो सकती है आगे लिखा है बाकी नेटवर्क की बैंडविट पर भी निर्भर करता है ठीक है ना साथ में लिखा है ये वाला क्लियर गेम पोर्ट कौन सा होता है एच ने पूछा था जो को कंप्यूटर से कौन से पोर्ट से जोड़ सकते हैं तो देखो जो को पीसी से कनेक्ट करता है आजकल इसकी जगह यूएस ने ले ली है आजकल ये यूएस में चेंज हो गया है ब्लूटूथ पोर्ट भाई इसके बाद कौन सा पोर्ट है ब्लूटूथ पोर्ट कम दूरी के लिए वायरलेस डिवाइस जितनी भी होगी उनको कनेक्ट करता है उपकरण जितने भी होंगे रेडियो तरंगों का उपयोग करता है ये भी एच एस सी का क्वेश्चन है रेडियो वेव्स का प्रयोग करता है इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड टू एम जो एन सी क्लास में दी है वो वाली लिखी है मैंने

यह कंप्यूटर को डिजिटल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बात करने की अनुमति प्रदान करता है यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो वायलन है ड्रम है इनकी आवाज को कंप्यूटर में डालने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे एम का प्रयोग करेंगे मिडी पोर्ट का प्रयोग करेंगे भाई ठीक है ना क्लियर बात सभी को हाँ भाई दीपिका ये रेड बुक ही पढ़ा रहा हूँ मैं रेड बुक अगर आपके पास है तो ये रेड बुक से भी आप पढ़ सकते हो भाई ठीक है ना देखिए

करता है कौन एन आई सी कार्ड है भाई वैसे ये कार्ड हम नेटवर्क में भी पढ़ेंगे इसकी यहां जरूरत भी नहीं थी कार्ड को नेटवर्क में पढ़ेंगे एक बार इसकी फुल इसकी फुल फुल फॉर्म फॉर्म पूछी पूछी थी थी हरियाणा ने मैंने ये देख ये लिख दिया कि इसके अंदर ये होता क्या है पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन एक एसोसिएशन है लैपटॉप के लिए उपयोग की जाने वाली बस का प्रकार है ये बस तैयार करती है ये कह लीजिए कि बस को डिफाइन करती है ये ऑर्गेनाइजेशन इसे कंप्यूटर मेमोरी विस्तार के लिए डिजाइन किया गया है कंप्यूटर की मेमोरी विस्तार के लिए इसको तो डिजाइन किया गया पीसीएम पीसी होता है डिस्क इंटरफेस ये तो थे पोर्ट अब है इंटरफेस पहले पोर्ट पढ़े हमने अब इंटरफेस पढ़े क्या फर्क है पोर्ट और इंटरफेस में कोई फर्क नहीं है पोर्ट और इंटरफेस पोर्ट जो है वो बाहरी हिस्सा है कंप्यूटर के पीछे जो हमें दिखाई देता है इंटरफेस जो उसके अंदर ही है मदरबोर्ड पे अटैच होने वाली चीजें हैं अलग अलग साइज है बस उनका अलग अलग साइज है एस सी आई एस सी एस आई पोर्ट एस सी एस आई पोर्ट कह लीजिए एस सी एस आई इंटरफेस स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस इसको कहा जाता है इसका क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है डेजी चेन के फैशन में डेटा ट्रांसमिट कर सकता है डेजी चेन के फैशन में डेजी चेन का फैशन कैसा होता है डिवाइस से डिवाइस जुड़ सकती है डिवाइस से डिवाइस जोड़ दी ऐसे डीजी चैन के फैशन में सात डिवाइसों तक बत्तीस बिट की शायद डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट कर सकता है सात डिवाइसों तक बत्तीस बिट की स्पीड से डिवाइस जो एस सी से जोड़ी जा सकती है कौन सी कौनसी है जैसे कि हार्ड डिस्क है हार्ड डिस्क ड्राइव है स्कैनर है सी डी रोम है इत्यादि ये एस सी पोर्ट से जोड़ी जा सकती हैं आई डी ई इंटीग्रेटेड डिराइव इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेटेड डिराइव इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ई आई डी ई Enhanced इंटीग्रेटेड डिराइवल इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट ये भी पोर्ट ये भी इंटरफेस है इसकी तरह इंटरफेस हैं आई डी ई पोर्ट है ई आई डी ई पोर्ट है ए टी ए पोर्ट है आज के अधिकांश कंप्यूटरों में शामिल हैं हम कनेक्टर्स को उनके पिन काउंट से भी पहचान सकते हैं यानी कि कौन से कनेक्टर में कितनी पिन लगेंगी जैसे फ्लोपी कनेक्टर के लिए चौंतीस पिन होती हैं फ्लोपी के लिए कितनी पिन होती हैं चौंतीस आई डी ई आई डी के लिए चालीस और एस आई एस सी एस आई के लिए पचास पिन पचास भी होती हैं साठ भी होती हैं

मदरबोर्ड से अटैच होगी भाई ये पिन है पिन वाला मामला ध्यान दे लेना फ्लोपी के लिए चौंतीस पिन आई डी ई के लिए ई ई के लिए 40 पिन एस सी के लिए 50 से अड़सठ पिन और सीरियल ए जो है ये हार्ड डिस्क को जोड़ने में काम आता है भाई ठीक है ना क्लियर है बात सभी को चलिए पी पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट ये भी उन्हीं की तरह इंटरफेस है यह एक बस इंटरफेस है जिसका उपयोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क को जोड़ने के लिए ऑप्टिकल ड्राइव को जोड़ने के लिए कंप्यूटर से जोड़ने के लिए क्या आता है एस ए टी ए पी और पाटा बोला करते थे हम तो इनके इनको बहुत पहले ठीक है ना बस कौन सी कौन सी है भाई बस जो है कंप्यूटर के घटकों के बीच एक संचर यानी कि ट्रांसमिशन पाथ है ट्रांसमिशन पथ को बस कहा जाता है ग्रुप ऑफ वायर्स यानी कि तारों के समूह को भी बस कहा जाता है बस सीधे सीपीयू की गति से जुड़ी होती है बस जो होती है वो सीपीयू की गति से जुड़ी होती है डायरेक्ट यानी कि जितनी सीपीयू गति होती है उतनी बस की गति होती है बस की गति मेगा हर्ज में मापी जाती है ये इसीलिए लिखा है क्योंकि सीपीयू गति को मेगा हर्ज में मापा जाता है बस की गति को भी मेगा हर्ज में मापा जाता है और ये थोड़ा स्लो पढ़ाओ सर यही तो पूछ रहा था मैं ये तो मैं तो पूछ रहा हूँ ना आपको कि मैं स्लो पढ़ाऊँ या थोड़ा और फास्ट पढ़ाऊँ मैं तो पूछता हूँ पहले से ही सर वर्क स्टेशन कंप्यूटर में काफ़ी कंप्यूटर जुड़े होते हैं तो ये कैसे है मत जोड़ो, जोड़ो? नीति उनसे जोड़ सकते हैं है डिजाइन है। है करने के लिए ग्राफिक डिजाइन वगैरह के लिए होता है स्पेशली बसें जो होती हैं इंटरनल बस होती है और एक्सटर्नल बस होती हैं बस दो प्रकार की होगी इंटरनल बस जो होती है जिसे सिस्टम बस भी कहा जाता है मदरबोर्ड पर होती है सीपीयू अन्य उपकरणों से जोड़ती है सिस्टम बस तीन प्रकार की है एड्रेस बस डेटा बस और कंट्रोल बस एड्रेस बस जो होती है मेमोरी एड्रेस को लेकर जाने का काम करती है रैम को सीपीयू से जोड़ती है यूनिडायरेक्शनल होती है एक ही दिशा में काम करती है डेटा बस जो होती है मदरबोर्ड पर सीपीयू मेमोरी और अन्य घटकों को जोड़ती है 8 बिट वाली बस एक बार में एक बाइट यानी कि 8 बिट डेटा ले जा सकती है डेटा वाली बस डेटा ले जाएगी एड्रेस वाली बस एड्रेस ले जाएगी और कंट्रोल बस जो है उपकरणों से संचार करने के लिए। भेजने का काम करेगी तो, का मेरे बाहरी बस एक्सटर्नल बस कौन सी होती है एक्सपेंशन बस कंप्यूटर से बाहर के उपकरण जैसे कीबोर्ड है माउस है प्रिंटर है आदि को कंप्यूटर से जोड़ने का काम करती है बायोसिप भाई बायोस वैसे फर्मवेयर है बायोस भी के आपका एक फर्मवेयर है जो कि रोम के अंदर बैठा हुआ प्रोग्राम होता है रोम के अंदर बैठा हुआ प्रोग्राम होता है बायोस बायोसिप इसलिए नाम दिया है जिस चिप के अंदर बायोस है उसे ही बायोस चिप कह दिया है यहाँ पर यह एक विशेष प्रकार की मेमोरी चिप है जिसमें बायो सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोसेसर को कंप्यूटर के बाकी हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट यानी कि तालमेल करने का तरीका बताता है यानी कि बायोस ही तो बताएगा स्टार्टिंग में कि कंप्यूटर चलेगा कैसे

कंप्यूटर जब हम बंद कर देते हैं उसको कुछ सेटिंग पहले से ही सेव करनी होगी क्यों क्योंकि उसको वही तो बताना होगा ना कि माउस आपसे जुड़ा हुआ है हर बार जब भी कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे हर बार उसको थोड़े ना बताएंगे कि आपसे माउस भी जुड़ा हुआ है प्रिंटर भी जुड़ा हुआ है आपसे एल भी जुड़ी हुई है आप इनको देखो ये सारी चीज़ें ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं हर बार नहीं बताएंगे तो वो कन्फीगर कर लेगा एक बार चलते ही कन्फीगर कर लेगा और उन सेटिंग को सेव कर लेगा कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है ठीक है ना तो उसके लिए पावर जरूरी होती है अपने को किसी भी मेमोरी में डेटा रिटेन करने के लिए अपने को पावर की आवश्यकता पड़ती है तो उस पावर को देने के लिए यहाँ पर सीमोस बैटरी का प्रयोग हम कर रहे हैं कौन सी कौन सी सेटिंग है वो जिनको कंप्यूटर सेव रखता है ये भी पूछा गया था कि सीमोस चिप के अंदर या सीमोस मेमोरी के अंदर कौन सी सेटिंग जो है निम्नलिखित में से नहीं होती तो कौन सी होती है डेट एंड टाइम होती है हार्ड ड्राइव कॉन्फिग्रेशन होती है और मेमोरी कॉन्फिगुरेशन तीन चीजें होती है इसके अंदर डेट एंड टाइम हार्ड ड्राइव कॉन्फिगुरेशन और मेमोरी कॉन्फिगुरेशन जो होती नहीं तो पूछा गया था कौन सी नहीं होती ऑप्शन था प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन तो प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर नहीं होती आपका पीसी इन सेटिंग को एक विशेष प्रकार की मेमोरी चिप में रखता है जिसे कॉम्प्लीमेंट्री मेटरल सेमी कंडक्टर चिप कहा जाता है इन सेटिंग को मेमोरी में रखने के लिए मेमोरी में लगातार पावर होनी चाहिए फर्मवेयर भाई फर्मवेयर एक प्रकार का विशेष सॉफ्टवेयर है जिसे रीड ओनली मेमोरी में डाला जाता है रीड ओनली मेमोरी के अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला है जिसे बायोस चिप भी कहा है मैंने रोम के अंदर ही बायोस होता है तो ये वाला जो है ये सेम चीज है ये वाली ये वाली चीज जिसे फर्मवेयर कहा गया है क्या कहा गया जिसे फर्मवेयर कहा गया पेरीफेरल इक्विपमेंट भाई पेरीफेरल क्या होता है पेरीफेरल डिवाइस वो डिवाइस होती है जिनका उपयोग कंप्यूटर में जानकारी डालने के लिए मानव या किसी अन्य मशीन को संसाधित डेटा देने के लिए किया जाता है ये उपकरण मुख्य प्रणाली का हिस्सा नहीं होते मेन बात है मेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होते है. इनका एग्जाम्पल है जैसे कीबोर्ड है माउस है मोनिटर है प्रिंटर है इत्यादि इसके एग्जाम्पल है किस चीज के एग्जाम्पल है ये हार्डवेयर नहीं है लेकिन ये मदरबोर्ड के ऊपर है इसलिए मैंने ये डाला हुआ है यहां पर हम इसे हार्डवेयर नहीं कह सकते यहां तारों को हार्डवेयर कह सकते हैं जिनके माध्यम से ये चीजें होंगी में होगा जिनके माध्यम से है ना डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यानी कि कोई भी चीज कोई भी चीज़ प्रोसेसर को बाईपास करके कोई प्रोसेस आई यहाँ से यह प्रोसेसर है सी है इसको बाईपास करके डायरेक्ट मेमोरी में चली जाए तो इसको बाईपास करना यानी कि ये काम कर, करने लगा हुआ अपना इसको डिस्टर्ब ना करे डायरेक्ट मेमोरी में चली जाए उसको कहा गया डी एम यह उपकरणों को प्रोसेसर को बाईपास करने और उसकी मेमोरी सीधे मुख्य मेमोरी से लिखने की अनुमति प्रदान करता है उसकी जानकारी डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर सकता है लिखने का मतलब क्या होता है पढ़ने का मतलब क्या होता है मेमोरी में लिख भी सकते हैं पढ़ भी सकते हैं इसका मतलब क्या है पढ़ सकते हैं मेमोरी में जो मेमोरी में जो है उसको हम देख सकते हैं देख सकते हैं तो पढ़ सकते हैं ठीक है ना जैसे अभी आप आप आपके मोबाइल में अपनी क्लास देख रहे हो तो इसका मतलब है ये आपकी मेमोरी से डेटा पढ़ रहे हो आपकी मेमोरी से डेटा पढ़ रहे हो और जब आप कोई ना कोई चीज लिख रहे होते चाहे व्हाट्सअप पे क्यों ना लिख रहे होते हो तो, तो अपनी मेमोरी में डेटा लिख रहे हो ठीक है रीड और राइट तो मेमोरी स्टोरेज डिस्प्ले प्रिंटिंग डिवाइसिस ये डिस्प्ले था भाई डिस्प्ले डिवाइसिस ये हम सात आठ नौ दस चैप्टर में अध्ययन करेंगे क्योंकि ये इनसे रिलेटेड है हालांकि ये है हार्डवेयर ये है हार्डवेयर क्या मेमोरी भी हार्डवेयर है सारे की सारी रैम भी हार्डवेयर है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज भी हार्डवेयर है स्टोरेज जो है सारे के सारे सेकेंडरी स्टोरेज वो भी हार्डवेयर है डिस्प्ले डिवाइस जितनी भी होती है आउटपुट डिवाइस वो सारी हार्डवेयर है और आपके प्रिंटिंग डिवाइसेस जितनी भी होती हैं वो सब हार्डवेयर है ये आज हार्डवेयर का हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है कि ये चीज़ें होती हैं और लेकिन ये जो चीज़ें रही हैं हार्डवेयर वाली ये हम फ्लो फ्लो में पढ़ेंगे जहाँ भी इनका जिक्र होगा वहीं जा करके इनको पढ़ेंगे यानी कि मेमरी का जब जिक्र आएगा कंप्यूटर में मेमरी की आवश्यकता पड़ेगी तब मेमरी पढ़ेंगे स्टोरेज की आवश्यकता पड़ेगी स्टोरेज डिस्प्ले की आवश्यकता पड़ेगी डिस्प्ले और प्रिंटिंग डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी प्रिंटिंग यानी कि सातवें आठवें नौवें दसवें चैप्टर के अंदर ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं ठीक है तो ये मामला था इसके पीछे कुछ क्वेश्चन दिए हैं आज आप क्वेश्चन करोगे बैठ करके उन्नीस से बीस क्वेश्चन इस चैप्टर के पीछे हैं कोई क्वेश्चन ना सोलव हो किसी क्वेश्चन की भाषा ना समझ में आए तो आप मेरे को सात चालीस चालीस सात छः दो आठ एक पर व्हाट्सअप कर देना कल हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे ठीक है ना एक बार बताओ ठीक है ना मामला स्पीड इस पार्ट ठीक है ना ये आज वाला जो कॉन्सेप्ट है ठीक है ना बताओ एक बार कमेंट कर दो जल्दी फटाफट मुझे भी एनकरेज करो थोड़ा सा ताकि मैं कल और भी एनर्जी के साथ क्लास ले सकूँ और भी एनर्जी के साथ चीज़ें बता उसको बाद में बाद बाद में में देखने वाले बाद में वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे दे बता देना बताओ जिसके पास किताब नहीं है वो किताब लेकर के बैठ से ना अच्छा रहेगा मतलब चीज़ें वहां पर ऐड करते रहोगे आप बहुत सारी चीज़ें नोट करते रहोगे किताब बता दी मैंने आप वहां से ले सकते हो ऑफ़लाइन भी ले सकते हो ऑफ़लाइन सभी जगह अवेलेबल मिलेगी ऑफ़लाइन जहाँ से भी लेना चाहो वहीं से ले सकते हो भाई सर स्पीड फास्ट थी हाँ आज थोड़ी सी फास्ट थी स्पीड माफी जाऊँगा कल को जो है थोड़ा कम कर लेंगे स्पीड है ना बाकी यूट्यूब पे जो बाद में देखते हैं वो स्लो स्पीड करके भी देख सकते हैं ये लाल किताब है भाई हाँ एक बार में थोड़ा सा होता है एक बार में समझ में नहीं आता आप इसे अभी रिवाइज कर लेना सोने से पहले भाई क्लासें सुबह मेंबरशिप ओनली होंगी दस से ग्यारह बजे मैं मेंबरशिप ओनली करूंगा इनको तब तक आप देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ना तब तक आप इन्हें आराम से देख सकते हो दो बार तीन बार देख सकते हो अभी भी समय है रात को देखोगे फिर सुबह उठ करके भी समय है आपके पास दस बजे तक आप आराम से देख लेना कोई इश्यू नहीं ठीक है इंग्लिश वाले, वाले सेम है सेम है भाई इंग्लिश वाले सेम है सेम चैप्टर सेम लाइन सेम चीजें सब सब सेम है इंग्लिश वाले में सिर्फ ट्रांसलेशन है ये हिंदी में और कुछ भी नहीं है ये चीजें देख रहे हो ना जो आप ये सेम है मेमोरी की जगह मेमोरी ही लिखा मिलेगा स्टोरेज की जगह स्टोरेज ही लिखा मिलेगा ये हरियाणा पुलिस के लिए ये सब के लिए है मेरे भाई ये सब के लिए है हाँ बुक पूरी करवाएंगे भाई सर गलती से हिंदी वीडियो बुक मंगाली कुछ भी समझ नहीं आ रहा अब तो समझ में आ जाएगा ना अब तो आ जाएगा ना समझ में इसीलिए तो लेके आए हैं स्पैक्ट्री सर न्यू बुक भी आई है क्या आपकी अभी अभी तो नहीं आई एक पी वाई क्यू अड्डा ज़रूर आएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसके अंदर थोड़ा स्लो चलो बस हाँ ये तो मैं आपसे पूछ ही रहा था ना मैं तो आपके अकॉर्डिंग चलता हूँ आपको फास्ट अच्छा लगता तो मैं फास्ट चलता हूँ आपको स्लो अच्छा लगता तो मैं स्लो चलता हूँ मैं तो आपके अकॉर्डिंग चलता हूँ आप बताए थे शुरू में ही मैं स्लो चलता आपने नहीं बताया तो जैसा चल रहा था अच्छा था चल ठीक है ना स्पीड दोनों तीनों है अपने पास जो उनका गेयर में कहूँगा गाड़ी उसी गेयर में डाल देंगे हम तो कोई दिक्कत नहीं है सर ऑफलाइन क्लास ऑफलाइन कैसे मिलेगी रिवीजन के लिए रिवीजन के लिए अगर 10 बजे के बाद रिवीजन करना चाहोगे तो मेंबरशिप लेनी पड़ेगी आप मेंबरशिप ले लीजिए मेंबरशिप के माध्यम से क्लास ऊन हो जाएगी ठीक है ना हाँ एक मंथ में पूरी करवा देंगे भाई टारगेट है वन मंथ सर पुराने से पढ़ा रहे हो रेड कवर वाली जो बुक है उससे पढ़ा रहा हूँ मैं रेड कवर वाली ये वाली बुक है ये वाली ये वाली बुक है इससे पढ़ा रहा हूँ मैं ठीक है ना रेड कवर बुक है लाल किताब जिसको कहा गया ठीक है भाई एक दो चैप्टर तो इतने लंबे मिलेंगे कि थोड़ी सी स्पीड नहीं बनी तो फिर दिक्कत भी आ जाएगी एक दो चैप्टर तो इतने लंबे मिलेंगे है ना सर आप ये प्रॉमिस करोगे बीच में नहीं छोड़ के जाओगे हम पूरी बुक करवाओगे यूट्यूब पे हाँ भाई पूरी बुक करवाऊंगा जब मैं मेंबरशिप के लिए अंदर ले आया ना तो पूरी बुक करवाऊंगा मैं भाई मैं मेंबरशिप के अंदर लेके आया हूँ तो पूरी बुक करवाऊंगा मैं ठीक है ना कई बार ये रहता है मान लीजिए मैं फ्री पढ़ाऊंगा तो भाई बुक मैं पूरी की पूरी फ्री पढ़ाऊंगा तो इसमें ऑलमोस्ट मेरा कोर्स जो है वो सेवेंटी परसेंट कवर हो जाएगा तो कई बार ये रहता है अध्यापक को कि फिर कोर्स का क्या फ़ायदा होता भी है तो इसी को मैं कोर्स बना करके ले आया हूँ यानी कि जो लाइव पढ़ेंगे उनके लिए बेनिफिशियल है वो लाइव में पढ़ो लेकिन जो लाइव नहीं पढ़ पाएंगे वो मेंबरशिप लेकर के ट्वेंटी नाइन रुपीज वाली या जिन्होंने ली हुई है वो बेनिफिट बेनिफिट ले सकते हैं इस चीज का क्या दिक्कत है ठीक है ना कोई इशू नहीं है अब मेंबरशिप में लेके आऊं तो पूरी करवानी पड़ेगी लाल किताब कंप्यूटर डॉट लाल किताब कंप्यूटर चलिए आज के लिए इतना ही था भाई भाई ठीक है मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह थैंक यू सो मच आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी सुझाव हो आपका कोई शिकायत हो सुझाव हो वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझे बता देना मैं भी अच्छा फील करूँगा थैंक यू सो मच जय हिंद सभी को गुड नाइट